नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिलिट्री लाइफलाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि CISF क्या है, इसका क्या काम होता है, आप कैसे CISF को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, और साथ में इसका रिटर्न एग्जाम सिलेबस और फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। CISF बनने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। दोस्तों, CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है और इसका स्थापना 10 मार्च 1969 में हुआ था। CISF का मुख्य काम होता है देश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना। CISF में एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो और VIP ड्यूटी जैसा काम होता है। दोस्तों, आप बात करते हैं आप CISF को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। CISF में आप दो तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, एक SSC GD द्वारा और दूसरा CISF की तरफ से डायरेक्ट भर्ती आते हैं। SSC GD द्वारा CISF की आप कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं और CISF की तरफ से जो वैकेंसी आते हैं उसमें आपको हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर, ट्रेडमैन की पोस्ट देखने को मिलेगा। कौन सी पोस्ट की किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, उससे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। CISF में कांस्टेबल बनने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 23 ईयर के बीच में होना चाहिए। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर एज रिलेक्शन मिलती है और ST SC कैंडिडेट को 5 ईयर एज रिलेक्शन मिलती है। बात करें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 28 के अंदर होना चाहिए। इसमें भी OBC ST SC कैंडिडेट को छूट मिल जाती है। बात करें तो हाइट की, तो कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें तो नॉर्थ इंडिया की, तो इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर और ASI के लिए आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट, जनरल OBC ST कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC कैंडिडेट की चेस्ट 77 to 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट आपका मिनिमम जो वेट है वो 50 kg होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी जाती है। इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10 पास। CISF की कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10 पास होना चाहिए और ASI हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको 12 पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती हो। और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए, BA, BHC, BCOM जो भी हो आपका चलेगा। बात करें तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा। पहला रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। पहला होता है रिटन टेस्ट, जिसमें आपको 100 मार्क देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी 100 देखने को मिलेगा। और इसमें आपको टाइम दी जाएगी 90 मिनट। ये CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेगा उनको फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड दी जाएगा। इसमें आपको फिजिकल में आपका कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें 24 मिनट के अंदर कम्प्लीट करना होता है। और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होगी और ये 8 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कम्प्लीट करना होता है, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको टाइम दी जाएगी 6 मिनट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग होती है, जिसमें आपको 3.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद होती है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपको आईसाइट चेक होती है, पूरा बॉडी का फुल चेकअप होती है, अगर कहीं पर भी छूट मिलती है तो बाहर कर दी जाती है। उसके बाद होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपका जो भी हो, जो भी चाहिए वो दिखाना पड़ता है। तो CISF बनने के लिए यही होता है सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।